तो हेलो भाई लोग, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक और सेकंड स्टोरी के बारे में। ठीक है, फर्स्ट जो स्टोरी थी, ठीक है, वो तुम लोगों ने सुनी भी होगी, विद्युत हजारिका की। और ये जो स्टोरी है, ये है भाई लोग तुम सभी के सामने ज्योति तिवारी। ठीक है, ज्योति तिवारी की स्टोरी ना थोड़ा सा डिफरेंट है विद्युत से, क्योंकि जो ज्योति तिवारी है उसने 3 ड्रॉप लिए थे नीट के लिए। 2 ड्रॉप उसने कोटा एलन में लिए थे, और जो उसका लास्ट ड्रॉप था उसके लिए दिल्ली आई थी। दिल्ली में जो साउथ एक्स है ना, तो साउथ एक्स में जो आकाश वाली कोचिंग है, तो वहाँ से उसने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। और वहीं उस पास में कहीं पीजी में अपनी 3 फ्रेंड्स के साथ में रहती थी वो। तो मेरा इंटरेक्शन कैसे हुआ स्टार्ट उसके साथ में, तो वो मैं तुमको शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, और वो कैसे भाई लोग गैंग में ज्वाइन हुई, ठीक है, उसका इम्प्रूवमेंट कैसा हुआ मार्क्स में, ठीक है, और लास्ट में उसका सिलेक्शन कैसे हुआ, वो सारी चीज़ अपन लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, तो जो भाई लोग गैंग बना था अपना पिछले साल, ठीक है, 4 ग्रुप बने थे अपने पिछले साल में, और जब नीट के अप्रॉक्सीमेट 30 दिन करीब बचे हुए थे, ठीक है, टेलीग्राम पे। ओके, और एक और चीज़ मैं तुम सभी को अपडेट कर दूं कि यार टेलीग्राम पे ना अभी एक और नया ग्रुप बन गया है, ठीक है, लास्ट 20 डेज़ के टारगेट के लिए। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, तो टेलीग्राम की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखी है, अदरवाइज सर्च कर लेना एम्स पायनियर, सो तुम्हें वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, वहीं पर मैंने एक अलग टेलीग्राम पर प्राइवेट ग्रुप बनाया है लास्ट 20 डेज़ के लिए। तो ना भाई लोग, ये जब आकाश में पढ़ रही थी, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट जब मैं इससे मिला था वो था जनवरी का टाइम था। ठीक है, उस टाइम पे क्या था कि एक कोई कोचिंग थी, ठीक है, बहुत अच्छी खासी कोचिंग थी, नाम मैं बता दे रहा हूँ सिंपल क्या होता है, अनअकैडमी। ठीक है, तो अनअकैडमी ने मुझे इन्वाइट किया था, उसके कुछ नए सेंटर ओपन हो रहे थे, तो मैं बोला कि ठीक है चले जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं उसका सेंटर ओपन हुआ था इधर सुभाष नगर के साइड में, ठीक है, करोल बाग के जो पहले पहले 2 स्टेशन है मेट्रो के, तो वहीं मेन पे उन्होंने अपना सेंटर लॉन्च किया था। तो क्या था कि बहुत लोग रहता है कि एजुकेटर्स आ रहे हैं, फेवरेट एजुकेटर्स आ रहे हैं ना, और मतलब बहुत लोग आ रहे हैं तो हम चलेंगे, तो ये स्टूडेंट का रहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आए भी थे उस टाइम पे, लेकिन मेरा उस टाइम पे नाम नहीं था। ठीक है, तो मैं भी चला गया, बुलाया भाई कि ठीक है चले जाओ कुछ, मतलब समझ रहे हो ना। हाँ, तो उस वजह से मैं चला गया, तो मुझे पता नहीं था, मैं तो सीधा जाके बैठ गया था कि भाई मुझे तो कोई पहचानेगा नहीं, जो बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं, ठीक है, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ में, मैं अपना अलग सोफे पर बैठा हुआ था। तो मेरे पास ना एक लड़की आई, ठीक है, और आके उसने सीधे मेरे पैर छुए। ठीक है, मतलब मैं तो एकदम शॉक हो गया कि भाई क्या हो रहा है। तो पहले तो मैं नहीं छुपा था किसी भी लड़की से पैर, ठीक है, तो सिंपल बात है, तो फिर मैंने उसको मना किया, लेकिन उसने मेरे पैर छू लिए थे उस टाइम पे। फिर ना कैसे भी करके ना इंटरेक्शन वहाँ पे स्टार्ट हुआ कि भैया मैं आपकी वीडियो देखती हूँ और मुझे आपकी बात बहुत सही लगी और मैं आपसे ही मिलने आई हूँ। ठीक है, जितने भी आपको एजुकेटर्स दिखाई दे रहे हैं, मैं किसी से मिलने नहीं आई, मैं बस आपसे मिलने आई हूँ। तो उस टाइम पे उसने बताया कि भैया मैं यहाँ पे आकाश में कोचिंग कर रही हूँ, टीचर जो फिज़िक्स वगैरह पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो इतना भी ज़्यादा पढ़ा दे रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा फिजिक्स केमिस्ट्री क्या पढ़ा रहे हैं वो। और बायोलॉजी में ये है कि बायोलॉजी में वो NCERT कवर कर ही नहीं रहे हैं भैया, मॉर्फो इन्होंने इतना ज़्यादा पढ़ा दिया है, NRT इन्होंने इतना ज़्यादा पढ़ा दिया है, ठीक है, 60-60 पेज का उन्होंने नोट्स भरा दिए हैं, भैया समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और लास्ट अभी 3 मंथ्स के अराउंड बचे हुए हैं, तो क्या करना सही रहेगा। तो मैंने उसको पहले सजेशन ये दिया कि यार एक काम कर, अभी तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, ठीक है, मैं तेरे को अपना नंबर दे रहा हूँ और बाद में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, मुझे भी तो उस टाइम पे ना बाहर निकलना भी था, पापा मम्मी वहाँ पे जा रहे थे, बरसाना जा रहे थे, ठीक है, तो मुझे भी गोवर्धन की परिक्रमा के लिए बरसाना जाना था, शाम की ट्रेन थी मेरी, तो मैं निकल लिया उसको नंबर दे के। ठीक है, फिर उसने ना नेक्स्ट डे मुझे कनेक्ट किया कि भैया आप बताओ क्या करना है। मैं बोला कि सबसे पहले ना यूट्यूब छोड़ दे, यूट्यूब पर तो मतलब जितने भी लाइक सजेशन दे रहे हैं, तुम इसको भी फॉलो करती हो, उसको भी फॉलो करती हो, तो यूट्यूब छोड़ दो इस टाइम पर, कि भैया मैं ज़्यादा लोगों को फॉलो नहीं करती, सिर्फ 2-3 उसने नाम बताया था, मैंने कि किसी को नहीं करना फॉलो, ठीक है, यूट्यूब इस टाइम पे छोड़ दो। अब मेन चीज़ क्या है कि जो मैं तुमको बताने वाला हूँ ना, वो एक सिंपल ना पाथ जो है वो कवर कर लेना उसको, कि बस मुझे इससे डेविएट नहीं होनी चीज़ों के रिगार्डिंग, कि ठीक है भैया। तो मैंने ना उसको एक शेड्यूल बना के दे दिया कि यार 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करो और रिविजन के बीच बीच में मॉक टेस्ट देते रहना। तो उसने बोला ठीक है भैया कर देंगे। उससे ना वो शेड्यूल भाई लोग 1 हफ्ते फॉलो हुआ, फिर वो किसी चीज़ और चीज़ में डेविएट हो गई, ठीक है, और तब उस टाइम पर जो है शायद होली का टाइम आ चुका था उस टाइम पे, है ना, अप्रॉक्सीमेट, तो होली टाइम आ चुका था। फिर मेरे को कॉल करती है कि भैया मैं आपको ना अपडेट देना भूल गई, ठीक है, मैं घर चली गई, तो उसके बाद जब आई तो फिर कोचिंग में मॉक टेस्ट स्टार्ट होने लगे, फिर मैंने अलग सिलेबस पढ़ने लगी, तो फिर भैया मेरा ना सब कुछ छूट गया है, भैया प्लीज़ एक बार नया शेड्यूल बना के दे दो। तो मैंने उसको एक चीज़ बोली कि यार देख, जो भी भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 20 लाख बच्चे जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं इस साल, तो तुम्हें अपने को उनसे डिफरेंट जो बनाना है ना, वो ऐसे बनाना है कि वो क्या है कि वो भी डेविएट होंगे। 20 लाख में से कम 18 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब भटकते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें ना एक पाथ बना के चलना है। मैं तुमको पहले भी स्टार्टिंग बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ,
तुम्हें अगर भटकना है तो फिर तुम्हारी मर्जी है। अदरवाइज देखो, कोचिंग में सिलेबस तो हर कोई कंप्लीट कराता है, लेकिन रिकॉल कितने टाइम तक रहता है वो मेन चीज़ होती है। ठीक है, जैसे मैं उसको स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ वन शॉट्स वगैरह हैं चैप्टर्स के, ठीक है उनको कर लो कि वो इनफ हैं, तो उसने उस टाइम पर फोकस नहीं किया था। तो अब जिसने बोला था भैया एक और नया शेड्यूल जो है मुझे बना के दे दो, मैं उसको फॉलो करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने उसको एक और नया जो है शेड्यूल बना के दिया, और मैंने उसको इतना बोल दिया था कि यार एक काम करना, मुझे ना हर हफ्ते के संडे को जो है ना मुझे अपडेट करना है कि तुमने क्या किया है पूरे हफ्ते। ठीक है, तो उसने फिर से चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट कर दी। लेकिन उस टाइम पे क्या था भाई लोग, उस टाइम पर ना एक कोई बहुत ज़्यादा फेमस वो थे, मतलब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तो उनका क्या है कि यूट्यूब पर एक बैच आया था कोर्स के नाम से, ठीक है, और उन्होंने अपना बैच निकाला था कि गारंटी के नाम से कि भाई गारंटी होगा तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। तो उसके पास ना इतना था फाइनेंशियल वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन उसने कैसे भी करके घर पे पैसे बोल गए, क्योंकि देखो पेरेंट्स क्या होता है ना भाई लोग, पेरेंट्स तुम प्रिपरेशन कर रहे हो ठीक है, और तुम पापा को बोलोगे मम्मी या मम्मी को बोलोगे कि पापा मम्मी मेरे को ये चाहिए बुक चाहिए या फिर मुझे ये परचेज़ करना है, ठीक है, तो वो बिना सोचे समझे ना वो तुमको दिलवा देंगे चाहे उनके पास पैसे हैं या फिर नहीं है। ठीक है, तो कुछ 4,000 rupees का कोर्स था, तो उसने वो ले लिया लास्ट 1 month के लिए। और फिर उन्होंने जो जहाँ से लिया था ठीक है, उन्होंने वो 10 से 12 दिन के लिए वो कंटिन्यू रखा, फिर बीच में वो खुद वो ब्रेक हो गए ठीक है, और उनकी कंटिन्यूटी नहीं रह पाई। और फिर वो बाद में मेरे पास आई कि भैया फिर से नहीं हो पाया। ठीक है, तो पता है एक चीज़ तुम लोगों की, पता क्या प्रॉब्लम होती है तुम लोगों को, ये प्रॉब्लम होती है कि यार तुम्हें अगर कोई एक डायरेक्शन मिल रही है ना, तुम उस एक डायरेक्शन पर कंटिन्यू नहीं रह पाते हो। ठीक है, तो वही बोला जाता है, और मैं हमेशा तुम लोगों को ये बोलता हूँ कि यार नीट की जर्नी में या फिर कोई भी जर्नी है उसमें क्या होता है, कंसिस्टेंसी डेडिकेशन और हार्ड वर्क, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम चीज़ उसी के साथ में हुई। अब बचे हुए थे लास्ट 1 month। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी वो, बहुत ज़्यादा प्रेशर में। ठीक है, इवन जो है ना, मतलब ये मान के चलो भाई लोग कि वो 17-17 घंटे पढ़ रही है, उसके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, 17-17 घंटे पढ़ रही थी, उसके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, और मॉर्निंग में ना 6:30 मुझे कॉल करती कि भैया प्लीज़ बता दो ना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे नींद भी नहीं आई, बहुत एंजाइटी फील हो रही है। इस टाइम पे भी तुम लोगों की कंडीशन भी सेम होगी। ठीक है, तो मैं उसको कैसे करके बोलता कि यार एक काम कर, नीट करना है या फिर नहीं करना, कि भैया नीट ही करना है। तो मैं बोला कि एक काम कर, मुझे एक दिन का टाइम दे, मैं तेरे को एक लास्ट शेड्यूल बना के दे रहा हूँ, उसे अगर फॉलो करना है, नीट करना है ना, डॉक्टर बनना है ना, ठीक है, तो उसको फॉलो कर लेना, सब कुछ भूल जा कि क्या हुआ क्या नहीं किया, तूने पूरे साल क्या किया, वो सब कुछ भूल जाना कि ठीक है भैया। मैं बोला कसम खा पहले कि हाँ भैया मैं कसम खाती हूँ, मैंने ठीक है चल। तो मैंने उसको लास्ट 25 days का एक शेड्यूल जो है क्रिएट करके दिया, और उसमें मैंने 1 short videos वगैरह, और वही शेड्यूल के लिए मैंने एक नया ग्रुप बनाया। ठीक है, तुम्हें पता भी होगा भाई लोग, गैंग 2 के नाम से मैंने बनाया था पिछले साल टेलीग्राम पे, और सबसे फर्स्ट मेंबर वही थी ठीक है, जिसकी वजह से मैंने ग्रुप बनाया था, ज्योति तिवारी। और उसने, मैं मानना पड़ेगा भाई लोग, उसने बहुत अच्छे से वो शेड्यूल फॉलो किया। ठीक है, उस ग्रुप में भाई लोग कम से कम 27 के अराउंड जो है स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, जिसमें ज्योति तिवारी भी है। और मेन चीज़ पता क्या था ना, मेन चीज़ ये थी कि भाई लोग वो कंसिस्ट रही, उसने अपने माइंड को कंट्रोल रखा, क्योंकि पिछले साल भी मैं हमेशा लोगों को बोलता था कि स्टूडेंट्स को जो भी कनेक्ट थे मेरे से कि यार मॉर्निंग में मेडिटेशन करो, मेडिटेशन पता लास्ट टाइम पे ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा जो प्रेशर फील कर रहे हो, जो तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, वो सारी चीज़ नहीं होंगी। ठीक है, और यू हैव टू डू, मतलब तुम्हें करना पड़ेगा चीज़ों के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसने भी सेम चीज़ की। अब क्या था ना कि नीट के लिए अराउंड 5 दिन के अराउंड बचे हुए थे, तो उसने 4 days जो है ना भाई लोग, कम से कम उसने 10 mock tests दिए थे फुल सिलेबस के। तो और मैंने उसको सिंपल इतना बोला था, ठीक है, जब वो नीट के एग्जाम में जा रही थी, उसने मेरे को कॉल किया था सुबह कॉल किया था 5:20 पे, मुझे अभी भी याद है उसका। ठीक है, सुबह 5:20 पे कॉल किया था कि भैया जो भी करना था मैंने कर लिया, ठीक है, अब मैं अपना बेस्ट देके आ रही हूँ, ठीक है, मुझे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन मैंने अपना एफर्ट पूरा दिया है 25 days में। ठीक है, तो वो सारी चीज़ मुझे अभी भी चीज़ें आएँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स की याद भी हैं मुझे। ठीक है, तो ये सेकंड स्टोरी थी। और पता है वो जब नीट का एग्ज़ाम देके आई, वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि भैया इस बार ना 600+ जा रहा है मेरा। तो उस टाइम पे आंसर की आ जाती है, तुम लोगों को पता भी होगा, 4 घंटे के बाद उसने आंसर की को मैच किया, तो उसके कुछ 628 के अराउंड कुछ मार्क्स बन रहे थे। ठीक है, थोड़ा बहुत उसने कुछ गलत कर लिया होगा स्कोर कर में ना, लेकिन जब एक्चुअल स्कोर आया तो उसका 602 नंबर थे नीट में। ओके, एंड उसको यूपी का एक कॉलेज है, ठीक है, सैफई, तुम लोग जानते होंगे ना सैफई इटावा जो है यूपी में है, तो वहाँ पे वो अभी MBBS कर रही है, एंड फर्स्ट ईयर है उसका, सेकेंड सेमेस्टर आई गेस। ठीक है, सो मतलब ये है ना, देखो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, और तुम्हें अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो तुम भूल जाओ यार। ठीक है, हर एक चीज़ में कंसिस्टेंसी मेन होती है।
ये मत समझो कि तुम्हें 2 दिन एफर्ट मारो, 2 दिन एफर्ट मारने के बाद तुम्हें 30 दिन रिजल्ट मिल जाएगा। यार भाई लोग इतना इजी थोड़ी ना है, इतना इजी थोड़ी ना है, तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टोरी है। थर्ड स्टोरी भी है, एक और लड़के की है। ठीक है, वो मैं शेयर करूँगा। वो मतलब 5th टाइम उसने ड्रॉप लिया था। ओके, और इस टाइम पर वो बिहार में है, बिहार का कोई मेडिकल कॉलेज है, मुझे इतना नहीं पता। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो थर्ड स्टोरी एक बार कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जितना भी जल्दी टाइम मिलेगा। ओके, सो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। इस टाइम पर कुछ मत सोचो, अपनी डायरेक्शन जो है वो सिंपल एक डायरेक्शन रखो कि मुझे बस करना है, करना है, मतलब करना है मुझे नीट। ठीक है, चलो, ओके, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय।